हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हुए बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने एमपीएल का एक न्यू गेम स्पेड, उसको कैसे आप लोग खेल सकते हो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, और लास्ट में मैंने एक गेम खेल के भी दिखाऊंगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अगर आप लोग कॉल ब्रेक जो गेम है उसके बारे में जानते हो तो आप लोग बहुत इजीली इस गेम को समझ पाओगे, लेकिन अगर आप लोग कॉल ब्रेक गेम के बारे में नहीं जानते हो तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी कॉल ब्रेक गेम कैसे आप लोग खेल सकते हो उसके ऊपर वीडियो चैनल में अपलोड कर दिया, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। और अगर आप लोग देखना नहीं चाहते तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में मैंने डिटेल में आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग इस गेम को खेल सकते हो। तो इस गेम को कैसे खेल सकते हो उसके बारे में जानने के लिए आप लोग को पहले कार का जो बांडिल होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो 52 कार का जो बांडिल होता है उसके अंदर टोटल 52 कार होता है, आप लोग जानते हो, और उसमें टोटल 4 टाइप का कार होता है, हर एक टाइप का 13 कार होता है। तो अभी चलते आपको बता दो हर टाइप का जो 13 कार होता है वो क्या क्या होता है। तो हर टाइप का 13 कार के अंदर एक 10 रहता है, एक J रहता है, एक क्यू रहता है, एक के रहता है, एक ए रहता है। उसके अलावा 2 से लेकर 9 तक कार रहता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 13 कार, हर टाइप का 13 कार यही होता है। तो ये गेम टोटल 4 लोगों के अंदर खेला जाता है। तो जैसे ही गेम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जो एक कार के बंडल के अंदर टोटल 52 कार होता है उसमें से हर एक लोगों को रैंडम 13 कार मिल जाता है। तो उस 13 कार के अंदर आपको 4 टाइप का कार भी मिल सकता है और 3 टाइप का कार भी मिल सकता है, 1 टाइप का कार नहीं भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को जो 13 कार मिलेगी उसके अंदर 4 टाइप का कार ही रहेगी। तो अभी चलते हैं यहाँ पे हर एक टाइप का जो कार होता है उसको क्या क्या नाम से बोला जाता है। फर्स्ट जो टाइप का कार होता है वो है स्पेड, सेकेंड टाइप का जो कार होता है वो है क्लब, और थर्ड टाइप का जो कार होता है वो है डायमंड, और फोर्थ टाइप का जो कार होता है वो है हार्ट। तो इसी 4 टाइप का कार टोटल 52 कार के अंदर ही रहता है। तो जैसे यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद सबको 13 कार मिल जाएगी, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आप लोग को बीट लगाना है, मतलब यहाँ पे आप लोग किसी भी राउंड में कितना टर्न जीत सकते हो उसके हिसाब से आप लोग को बीट लगाना है। और अगर आप लोग जितना बीट लगाते हो उतना टर्न जीत लेते हो तो आप लोग जितना बीट लगाते हो उसका 10 गुना पॉइंट आप लोग को मिल जाएगी। जैसे अगर आप लोगों ने 4 बीट लगाया और उसके बाद 4 टर्न जीत लिया तो आप लोग को 40 पॉइंट मिल जाएगी, और अगर आप लोगों ने 4 बीट लगाया लेकिन उसके बाद 6 टर्न जीत लिया तो आप लोगों को कितना पॉइंट मिलेगी। तो आप लोगों को 4 टर्न जीतने के लिए 40 पॉइंट मिल जाएगी, बाकी जो 2 टर्न एक्स्ट्रा आप लोगों ने जीता है उसके लिए आप लोगों को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगी, मतलब टोटल आप लोगों को 40+2, 42 पॉइंट मिल जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट मिलता है। तो एक बार 13 कार मिलने के बाद अगर किसी का भी पॉइंट 100 नहीं होता है तो फिर से 13 कार मिलेगी, और ऐसे जिसका पॉइंट यहाँ पे गेम में सबसे पहले 100 हो जाएगी उसने गेम को जीत जाएगी। तो अभी आप लोग को जानना पड़ेगा कैसे आप लोग किसी भी टर्न को जीत सकते हो। तो कैसे आप लोग टर्न को जीत सकते हो उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने 4 बीट दे देते हो उसके बाद आप लोगों ने 6 टर्न जीत लेते हो तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 एक्स्ट्रा टर्न जीत लिया है, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 बैग मिल जाएगी। तो ऐसे ही अगर आपके पास टोटल 7 बैग आ जाता है तो आप लोगों का जो भी पॉइंट रहेगी उससे 70 माइनस हो जाएगी, मतलब आप लोगों को -70 पॉइंट मिलेगी। और अगर आप लोगों ने 4 बीट दे दिया लेकिन उसके बाद आप लोगों ने 4 टर्न जीत नहीं पाया तो आप लोगों को -40 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बीट देने के टाइम आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है आप लोग कितना टर्न जीत सकते हो उसके हिसाब से आप लोगों को बीट लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग ज़्यादा बीट दे देते हो और उसके बाद उतना टर्न जीत नहीं पाते हो तो आप लोगों को माइनस यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ही कम बीट देते हो लेकिन आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न जीत जाते हो तो आप लोग जितना ज़्यादा टर्न जीतोगे उसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पे बैग मिलेगी, और अगर आप लोग के पास 7 या 7 से ज़्यादा बैग आ जाता है तो आप लोग को माइनस मिल जाएगी। इसलिए आप लोग को हमेशा ध्यान से बीट लगाना है। तो बीट लगाने के लिए आप लोग क्या करना है, जैसे आप लोग के सामने ऐसे नंबर आ जाएगी तो आप लोग जितना बीट लगाना चाहते हो उसी नंबर के ऊपर आप लोग को टैप कर देना, यहाँ पे बीट लग जाएगी। तो अभी चलते आप लोग को बता दो किसी भी राउंड के अंदर कैसे आप लोग टर्न को जीत सकते हो, क्योंकि वो जानना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो टर्न को कैसे आप लोग जीत सकते हो उसके बारे में जानने के लिए पहले आप लोग को जानना पड़ेगा हर टाइप का जो कार होता है उसमें से सबसे हाई वैल्यू का कार कौन होता है और सबसे लो वैल्यू का कार कौन होता है। तो चलिए अभी आप लोगों को बता दूँ हार्ट टाइप का जो कार होता है उसके अंदर सबसे हाई वैल्यू का कार कौन होता है और सबसे लो वैल्यू का कार कौन होता है। तो देखो हार्ट टाइप का कार के अंदर जो ए कार होता है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, और जो टू कार होता है उसका वैल्यू सबसे कम होता है। तो ए कार का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद के कार का वैल्यू होता है, उसके बाद क्यू कार का वैल्यू होता है, उसके बाद जे, उसके बाद 10 कार का वैल्यू, उसके बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 का वैल्यू सबसे कम होता है, मतलब ए का वैल्यू सबसे ज्यादा और 2 का वैल्यू सबसे कम होता है, और स्पेड टाइप का किसी भी कार का वैल्यू बाकी तीनों टाइप का किसी भी कार से ज्यादा होता है। तो अभी जैसे गेम स्टार्ट हो जाता है तो डीलर के पास जो रहता है उसको पहले गेम को स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसको पहले स्पेड का जो कार है उसको छोड़ के बाकी जो 3 टाइप का कार होता है उसमें से जितना भी कार उसके पास है तो उसमें से किसी भी एक कार को उसको छोड़ना होगा। तो जैसे ही उसने किसी भी एक टाइप का एक कार को छोड़ देगा तो बाकी 3 लोगों को क्या करना है, बाकी 3 लोगों को उसने जिस टाइप का कार छोड़ा है उस टाइप का कार अगर उन लोगों के पास रहता है तो उस टाइप का ही एक कार छोड़ना है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे जैसे ही पहले किसी एक ने किसी भी एक टाइप का कार छोड़ देता है और अगर आपके पास उस टाइप का कार रहता है
और उसने जो कार छोड़ा है उससे एक हाई वैल्यू का कार आपके पास है और एक लो वैल्यू का कार आपके पास है। तो आप लोग यहाँ पे कॉल बैक में क्या होता था, लो वैल्यू का कार नहीं छोड़ सकते थे, सिर्फ हाई वैल्यू का कार ही छोड़ सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो लो वैल्यू का कार भी छोड़ सकते हो और हाई वैल्यू का कार भी छोड़ सकते हो। तो अभी चलते आप लोग को बता दूं कैसे आप लोग टर्न को जीत सकते हो। तो देखो, जैसे ही किसी ने एक कार को यहाँ पे पहले छोड़ देगा और उस टाइप का कार अगर सब लोग के पास रहता है, तो उस टाइप का कार अगर सब लोग छोड़ देता है, तो उस टाइप का सबसे ज्यादा हाई वैल्यू का कार जिसने छोड़ा है उसने ही उस टर्न को जीत लेगा। ऐसे ही आप लोग टर्न को जीत सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट टर्न में जिसने पिछले टर्न में जीता है उसको ही पहले एक कार छोड़ना पड़ेगा। तो देखो, नेक्स्ट टर्न में अगर जिसने पिछले टर्न में जीता है उसने एक कार छोड़ देता है, किसी भी एक टाइप का स्पेड का कार छोड़ के, और अगर आप लोगों के पास या आपके पास उस टाइप का कार नहीं है तो आप क्या करोगे? तो उस टाइम अगर आप लोगों के पास स्पेड की कार रहता है तो आप लोग चाहो तो स्पेड का कार भी छोड़ सकते हो, या तो स्पेड का कार छोड़ के बाकी जो भी कार आप लोगों के पास है उसको भी छोड़ सकते हो। और अगर आप लोगों के पास स्पेड की कार नहीं रहता है तो आप लोगों का जो भी कार है उसमें से किसी भी कार को छोड़ सकते हो। तो अभी चलते आप लोग बताओ, तो इस सिचुएशन में अगर आप लोग स्पेड की कार छोड़ते हो तो क्या होगा, और अगर आप लोग बाकी जो भी कार आप लोग के पास उसमें से किसी भी कार छोड़ते हो तो क्या हो? तो पहले बता दो, अगर आप लोग स्पेड की कार छोड़ते हो और बाकी तीनों ने स्पेड की कार नहीं छोड़ते तो आप लोग टर्न को जीत जाओगे। उस टाइम अगर बाकी तीनों ने अलग टाइप का किसी भी हाई कार क्यों ना छोड़े, आप अगर स्पेड का लो कार छोड़ते हो तो भी आप लोग टर्न को जीत जाओ। मतलब स्पेड कार का वैल्यू बाकी तीनों टाइप का कार से ज्यादा होता है, ये आपको दिमाग में अच्छा से फिट कर लेना है। उसके बाद अगर पहले जो कार छोड़ रहा है उस टाइप का कार बाकी दोनों ने छोड़ दिया, लेकिन आपके पास उस टाइप का कार नहीं है और आप लोगों ने स्पेड का जो कार है उसको भी नहीं छोड़ा, बाकी जो कार आपके पास है स्पेड को छोड़ के उसको छोड़ दिया, तो आप उस टर्न को नहीं जीत पाओगे। बाकी दोनों ने उस टाइप का कार छोड़ा जिस टाइप का कार पहले बंदों ने छोड़ा है, तो इसलिए उन तीनों में से जिसका हाई वैल्यू का कार होगा वही टर्न को जीत जाएगी। तो अभी आप लोगों के मन में और एक सवाल आ सकता है, अगर यहाँ पे पहले किसी ने एक कार छोड़ दिया उसके बाद दो बंदा स्पेड का कार छोड़ दिया और आपने भी स्पेड का कार छोड़ा, तो उस टाइम कौन जीतेगा? उस टाइम सबसे ज्यादा हाई वैल्यू का स्पेड का कार जो छोड़ेगी वही उस टर्न को जीत जाएगी। जैसे समझ लो किसी ने पहले एक किसी भी टाइप का कार छोड़ दिया स्पेड का कार छोड़ के, और उसके बाद बाकी दोनों ने स्पेड का दो और स्पेड का फाइव छोड़ दिया और आपने स्पेड का सेवन छोड़ दिया, तो आपने ही उस टर्न को जीत जाओगे क्योंकि आपने स्पेड का सबसे हाई वैल्यू का कार छोड़ा है। तो इसका मतलब यही है, अगर स्पेड का कार छोड़ के बाकी तीनों टाइप का कार खेलता है तो उस टाइम अगर सब लोगों ने उस टाइप का कार ही छोड़ता है और किसी ने स्पेड का कार नहीं छोड़ता है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू का कार जो ही छोड़ेगी वही टर्न को जीत जाएगी। लेकिन अगर तीनों ने किसी भी एक टाइप का कार छोड़ता है लेकिन बाकी एक ने एक स्पेड का कार छोड़ देता है, तो उस टाइम जो स्पेड का कार छोड़ा है वही उस टर्न को जीतेगी। चाहे आप कितना हाई वैल्यू का कार छोड़ो, स्पेड का कार जो ही छोड़ेगा वही टर्न को जीत जाएगी, क्योंकि स्पेड का कार का वैल्यू बाकी तीनों टाइप का कार का वैल्यू से ज़्यादा होता है। और अगर दो तीन लोग एक साथ स्पेड का कार छोड़ देता है तो जिसने सबसे ज्यादा हाई वैल्यू का स्पेड का कार छोड़ेगी वही टर्न को जीत जाएगी। और एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे जैसे ही गेम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जो पहले कार छोड़ता है उसने स्पेड का कार छोड़ के बाकी तीन टाइप का कार में से किसी भी कार को छोड़ सकता है। तो यहाँ पे पहले बार जैसे ही किसी के पास जिस टाइप का कार पहले जो छोड़ रहा है उस टाइप का कार नहीं रहता है तो उसने स्पेड का कार छोड़ सकता है, अगर उसके पास स्पेड का कार रहता है। तो जैसे पहले यहाँ पे किसी ने स्पेड का कार छोड़ देगा तो उस टाइम यहाँ पे दिखाएगी स्पेड बुकिंग, और उसके बाद अगर जो पहले कार छोड़ रहा है उसने चाहे तो स्पेड का कार को भी पहले छोड़ सकता है। तो अगर किसी ने स्पेड का कार छोड़ देता है और बाकी तीनों के पास स्पेड का कार रहता है तो बाकी तीनों को भी स्पेड का कार छोड़ना पड़ेगा, और उस टाइम जिसने स्पेड का हाई वैल्यू का कार छोड़ेगी वही टर्न को जीत जाएगी। और अगर किसी ने स्पेड का कार छोड़ देता है और आपके पास स्पेड का कार नहीं रहता है तो बाकी तीन टाइप का कार जो आपके पास है उसमें से किसी भी कार को आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन उस टाइम आप लोग टर्न को नहीं जीत पाओगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया कैसे यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेशन होता है और कैसे यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से आप लोग जीत सकते हो और कैसे यहाँ पे आप लोग टर्न को जीत सकते हो, सब कुछ मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया। तो चलिए एक गेम खेल के आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए कैसे आप लोग इस गेम को खेल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे जो 1 rupees NTP का एक गेम है उसके अंदर एंटर कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ कैसे आप लोग गेम को जीत सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गेम के अंदर एंटर कर लिया, तो अभी चलते हैं यहाँ पे गेम को खेल के आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे मुझे 13 कार मिल चुके। तो अभी देखो यहाँ पे जो कार मुझे मिला है उसकी सबसे यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं 3 beat यहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिक्स है 3 beat कंप्लीट करना, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 turn मैं जीत जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 turn जीत पाता होगी नहीं। तो देखो यहाँ पे हार्ट का कार छोड़ दिया और यहाँ पे हार्ट का के छोड़ दिया, तो यहाँ पे हार्ट का जो हाई वैल्यू का कार छोड़ेगी वही यहाँ पे टर्न को जीत जाएगी। और यहाँ पे देखो पहले जो के छोड़ा था उसका ही सबसे हार्ट का हाई वैल्यू का कार था, तो इसलिए उसने यहाँ पे टर्न को जीत लिया। नेक्स्ट टर्न में उसने यहाँ पे क्लब का ए को छोड़ दिया और यहाँ पे क्लब का 3 और मैंने क्लब का 5 छोड़ दिया। और यहाँ पे देखते हैं राइट साइड में यहाँ पे क्लब का कौन कार छोड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्लब का 4 छोड़ दिया, तो उसका ही हाई वैल्यू का कार था ये था, उसने यहाँ पे टर्न को जीत लिया। देखते हैं नेक्स्ट टर्न में उसने क्या कार छोड़ते। तो यहाँ पे टाइम ले रहा है
और यहाँ पे देखो फिर से क्लब का कार्ड छोड़ दिया, और देखो अभी मेरे पास क्लब का कार्ड नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीड का कार्ड छोड़ दिया, और यहाँ पे देखो स्पीड बुकन हो चुकी है। मतलब अभी यहाँ पे किसी ने अगर चाहे तो पहले ही स्पीड का कार्ड छोड़ सकता है। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जीत लिया, बाकी तीनों का हाई वैल्यू का कार्ड था लेकिन बाकी तीनों का यहाँ पे क्लब का कार्ड था लेकिन मेरा यहाँ पे स्पीड का कार्ड था तो इसलिए मैंने इस राउंड को जीत लिया। और यहाँ पे देखो मैंने हार्ट का फिर से एक सिक्स को छोड़ दिया, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस टर्न कौन जीत पाता है। और यहाँ पे देखो स्पीड का कार्ड छोड़ दिया, और यहाँ पे ऊपर का जो बंदा है उसने यहाँ पे जीत लिया, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्न में क्या कार्ड छोड़ते हैं। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट टर्न में यहाँ पे डायमंड का कार्ड छोड़ दिया, और यहाँ पे देखो मेरी लेफ्ट साइड में जो बंदा है उसने डायमंड का ए छोड़ दिया जो सबसे हाई वैल्यू का डायमंड का कार्ड है, और यहाँ पे देखो उसने टर्न को जीत लिया। और यहाँ पे देखो फिर से क्लब का कार्ड छोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने स्पीड का कार्ड छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास क्लब का कार्ड नहीं था। और यहाँ पे देखते क्या मैं इस टर्न को जीत पाता हूँ कि नहीं। और यहाँ पे देखो मैंने फिर से इस टर्न को जीत लिया, अभी यहाँ पे हार्ट का एट को छोड़ देते, और यहाँ पे देखते कौन इस टर्न को जीत पाता है। और यहाँ पे देखो हार्ट का क्यू छोड़ दिया, और यहाँ पे स्पीड का कार्ड छोड़ दिया, और उसने यहाँ पे टर्न को जीत लिया। अभी चलिए देखते हैं यहाँ पे किस टाइप का कार्ड छोड़ता है। और यहाँ पे देखो डायमंड का कार्ड छोड़ दिया, अभी यहाँ पे डायमंड का के को छोड़ देते, और यहाँ पे देखते क्या मैं इस टर्न को जीत पाता हूँ कि नहीं। और यहाँ पे देखो मैंने इस टर्न को जीत लिया, और इसी के साथ यहाँ पे थ्री बीट मैंने लगाया था, और यहाँ पे थ्री टर्न मैंने जीत लिया। मतलब यहाँ पे मैंने जितना बीट लगाया था उससे कम बीट कंप्लीट करने के लिए मुझे जो माइनस मिलता है वो तो नहीं मिलेगा अभी, तो चले देखते और एक यहाँ पे टर्न जीत पाता हूँ कि नहीं। और यहाँ पे देखो हार्ट का ए छोड़ दिया, तो यहाँ पे स्पेड का कार्ड छोड़ दिया, और यहाँ पे उसने यहाँ पे टर्न को जीत लेगी। तो चले देखते यहाँ पे नेक्स्ट टर्न में यहाँ पे क्या कार्ड छोड़ते। और यहाँ पे देखो क्या कार्ड छोड़ दिया, यहाँ पे क्लब का कार्ड छोड़ दिया, तो यहाँ पे स्पेड का कार्ड छोड़ देते, स्पीड का के छोड़ देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मैंने स्पीड का के छोड़ा था लेकिन मेरे जो राइट साइड में बंदा है उसने स्पीड का ए छोड़ दिया, इसलिए उसने इस टर्न को जीत लिया। मैंने भी स्पीड का कार्ड छोड़ा था लेकिन उसने मेरे से हाई वैल्यू का स्पीड का कार्ड छोड़ दिया था, तो इसलिए उसने इस टर्न को जीत लिया। और यहाँ पे देखो इसी के साथ इस राउंड कंप्लीट हो चुके, और इस राउंड के बाद देखो मेरा पॉइंट 30 है, और नेक्स्ट जो है उसका पॉइंट 20 है, और उसके बाद जो है उसका पॉइंट 42 है, और उसके बाद जो बंदा है उसका पॉइंट माइनस में है, माइनस 30 है, क्योंकि उसने थ्री बीट लगाया था लेकिन थ्री टर्न जीत नहीं पाया इसलिए उसको माइनस 30 पॉइंट मिल गया। और यहाँ पे उसके बाद जो बंदा है उसका पॉइंट 42 है क्योंकि उसने फोर बीट लगाया था लेकिन उससे दो ज़्यादा बीट यहाँ पे या दो ज़्यादा टर्न उसने जीत लिया, तो इसलिए फोर टर्न जीतने के लिए उसको 40 पॉइंट मिल गया, और बाकी दो टर्न जीतने के लिए उसको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला, इसलिए उसने 42 पॉइंट यहाँ पे कर लिया। और उसके बाद जो बंदा है उसने टू बीट लगाया था और उसने टू टर्न जीत लिया इसलिए उसको 20 पॉइंट मिल गया, और मैंने थ्री बीट लगाया था और थ्री टर्न जीत लिया इसलिए मुझे यहाँ पे 30 पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद किसी का भी पॉइंट 100 नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुके। और यहाँ पे सेकंड राउंड खत्म होने के बाद अगर किसी का भी पॉइंट 100 नहीं होता है तो फिर से यहाँ पे थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे राउंड होते रहेगी। और अगर किसी का पॉइंट यहाँ पे 100 हो जाता है तो जिसका पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले 100 हो जाएगी उसने यहाँ पे गेम को जीत लेगी। तो चलिए यहाँ पे आप लोग गेम को देखते रहो, तो गेम खत्म होने के बाद आप लोगों के साथ मिलता हूँ और देखता हूँ क्या मैं इस गेम को जीत पाता हूँ या नहीं। We'll be right back.
यहाँ पे देख सकते हो राउंड 4 खत्म होने वाला है और यहाँ पे मेरा पॉइंट इस राउंड के बाद 100 हो जाएगी और यहाँ पे मैंने गेम को जीत जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो राउंड खत्म हो चुके और यहाँ पे देखो मेरा पॉइंट 100 से ज्यादा हो चुके और बाकी जो तीनों बंदा है किसी का पॉइंट यहाँ पे 100 से ज्यादा नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेम को जीत लिया। और यहाँ पे देखो मैंने 1 रुपीज देकर एंटर किया था और यहाँ पे मैंने 3 रुपीज जीत लिया। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को अच्छा से समझा दिया कैसे आप लोग इस गेम को खेल सकते हो और इस गेम का जो रूल है सब कुछ आप लोग को डिटेल में समझा दिया। और यहाँ पे मैंने एक गेम भी आप लोग को खेल के दिखा दिया और मैंने जीत के भी आप लोग को दिखा दिया। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। अगर आज की इस वीडियो से आप लोग को कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला, आप लोग का कुछ भी फायदा हुआ, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अगली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।